को है और इसकी साधना को है। हम प्रणाम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, और क्योंकि आवाज खलक नकारा खुदा, दुनिया के अंदर परमात्मा ने कहा कि नहीं बेटा सबका दिमाग बदल जाए, देश की भलाई की तरफ चलो, प्रदेश की भलाई की तरफ चलो और लगाओ इस पर मोहर के बनाओ आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री, ताकि एक बार को आप देखो सब दफ्तरों में सड़कों में झाड़ू फिर रही है, गंदगी दूर हो रही है, हम भी अपने अंदर झाड़ू फेरेंगे के? मन मंदिर में काफला झाड़ू रोज लगाया कर, दो घड़ी नित बैठ तू गुण ईश्वर के गाया कर। ये सिलसिला चलेगा, देश संवरेगा। मैं आप सबने इतनी सी बात को धैर्य पूर्वक सुना, आपका आभारी हूँ, फिर वार्ता चलती रहेगी और आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम। तो प्रश्न पूछ रहे थे स्वामी जी, जो अवैध भूषण खाने बंद करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैंने कहा जो है ही अवैध उसके ऊपर क्या कहना। अरे अवैध भूषण खाने चल रहे थे ये अपराध था, अवैध भूषण खानों को बंद कर दिया ये तो अपराध का अंत कर दिया, ये एक संत नहीं कर सकता। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, जो पहले पिंडदान करके बैठा हो उसका कोई बिगाड़ भी कर सकता है। सोने के लिए दो गज जमीन, खाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश योग महोत्सव 2017 दो दिन का योग महोत्सव, और बाबा रामदेव ने आग्रह किया था मुख्यमंत्री से इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में सूरत बदली है और यहाँ मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो मेरा वेट 67 रहता है, 1 किलो भी ज्यादा नहीं, 1 किलो भी कम नहीं, यह है योग का बैलेंस। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 20 सालों से 17.5 रहता है, यह है योग का बैलेंस। मैंने खूब संसार के झंझावात देखे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं देखी हैं, और 18-18 घंटे श्रम किया है और अभी भी करता हूं, लेकिन विश्राम में रहकर के श्रम करता हूं, यह है योग का बैलेंस। विश्राम में रहकर के, भीतर से शांत रहकर के, बाहर से क्रियाशील रहना, यह है योग का बैलेंस, उसको मैं जीता हूं। मैं आत्म श्राद्धा के लिए आपको ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, आप ही ऐसा जी सकते हैं। मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, हो सकता है मेरे कारण से किसी को हो जाए, पर उनको भी सलाह देता हूं, भैया अनुलोम विलोम किया करो, अब तो वैसे भी फुर्सत है, आप बड़े समझदार निकले। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहता है, कभी भी 80-120 से ऊपर नीचे नहीं जाता, ना लो ब्लड प्रेशर ना हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का कोई प्रश्न नहीं, चाहे 1 किलो गन्ने का जूस पिला करके चेक करवा लो, नॉर्मल शुगर, नॉर्मल बीपी, एक दिन नींद की समस्या नहीं होती है, और सुबह उठ के मौसम अच्छा हो जाए तो प्रमोशन से भी ज्यादा आनंद है। हाँ, लोगों का ये ठीक नहीं होता, सुबह सुबह टॉयलेट में चक्कर काटते रहते हैं। अरे भाई बोले बाबा जी वक्त नहीं होता, मैंने कहा इससे अच्छा तो थोड़ा कपाल भाती कर लेता तो इतने धक्के नहीं खाने पड़ते, 5 मिनट कर लो इतना सा। और आपको इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, योग से ये बैलेंस ये कोई सपना नहीं है, ये एकदम रियलिटी है, 100% प्रैक्टिकल। मेरे से आधी उम्र का भी पहलवान आता है तो उसको भी खाड़े में पटक नहीं देता हूं।